لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: إياك نعبد وإياك نستعين. صلاة محمد. तन्हा तेरी ही इबादत करता हूं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहता हूं। ये दो टुकड़े हैं जो सूरह हम्द में हमें नजर आते हैं। और ये अजीब शान है परवरदिगार आलम की कि उसने कुरान करीम के पहले ही सूरह में, बल्कि उस सूरे में कि जो दो बार परवरदिगार आलम ने नाजिल फरमाया है, इसी बुनियाद के ऊपर उसे सबर मसानी कहते हैं। सबा यानी सात, सात आयतों वाला सूरा, मसानी यानी दो मरतबा नाजिल होने वाला। ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना अहम सूरा कि जिसकी एक मरतबा तिलावत पूरे कुरान के की तिलावत का सवाब है। इसमें परवरदिगार आलम ने हमें दुआ की तालीम दी है और हमसे ताकीद की है कि ये दुआ यानी दुआ की तरफ तवज्जो ज्यादा से ज्यादा रहे। हमसे जिस चीज की सबसे ज्यादा, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कहा गया है, यही है कि हम अपने महबूब से अपने आप को वाबस्ता करें और इस वाबस्तगी का जरिया जो है वो दुआ है। हम ज्यादा से ज्यादा खुदावंद आलम से गुफ्तगू करें, बातें करें।
इसके पहले यह अर्ज किया है कि परवरदिगार आलम हमसे ये चाहता है कि हम उसे अपने आप को उससे अपने आप को जोड़ें, और खुद इंसान के बातें में और उसके निहाद में ये चीज पाई जाती है कि जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता बल्कि खुदा से खुद को जोड़ता है, खुदा से फरियाद करता है। हत्ता वो अफराद भी फरियाद करते हैं कि जो आम हालात में खुदा का इनकार करते हैं, उनके लिए परवरदिगार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इंतहाई संगीन हालात उनको पेश आते हैं तो वो उसे पुकारते हैं कि जिसके ऊपर ईमान नहीं रखते थे, अब कामिल ईमान के साथ पुकारते। क्यों? इसलिए कि उन्हें उम्मीद होती है कि कोई तो है हमें बचाने वाला, और जो ये जिस उम्मीद की बुनियाद के ऊपर वो पुकारते हैं और जिसे भी पुकारते हैं वही है जाते परवरदिगार आलम। लेकिन जैसे ही वो कश्ती से उतरते हैं तूफानों में घिरे हुए थे, पुकार रहे थे खुदा, जब साहिल के ऊपर आ गए और कश्ती से उतरे यशरकून, तो वो शिर्क इख्तियार कर लेते भाई बड़े मौके से हम बच गए, फला ने बचा लिया हमको, ये नहीं कहते कि खुदा ने बचाया, फला गरोह आ गया उसने बचा लिया, ये फला गरोह जो है बर्बाद जो पहुंचा था वो किसने पहुंचाया था, उसे थोड़ी देर हो जाती तो क्या हो जाता, आपके बचने का इम्कान ही नहीं था। अभी रास्ते में ये जिक्र हो रहा था कि फैमिली जो है वो सर्दी के जमाने में एक पाउंड में चली गई, आधे घंटे के बाद जो है वो निकालने वाले पहुंचे, लेकिन यही आधे घंटे के बजाय 15 मिनट 10 मिनट उसके कार के गिरने के 10 मिनट के बाद पहुंच जाते तो शायद कोई बच जाता उसमें। तो अब यह है कि रिजाए परवरदिगार वही है, वही जानता है कि कब किसे जिंदा रखना है, कब किसे अपने पास बुलाना है। दुआ के सिलसिले में हमसे ये जो कहा गया है कि तुम दुआ करो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी दुआ तुम्हारी कबूली कर लेंगे, जैसे ही तुम दुआ करोगे हम तुम्हारी दुआ कबूल कर लेंगे, तो ये गोया इंसानों के अल्लाह की पाबंदी हो जाएगी इंसानों के सिलसिले में। आप समझ रहे हैं जुमले के मफहूम को, यानी जैसे ही अल्लाह से बंदा दुआ करे वैसे ही अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे। तो अभी ये कह रहा है, दूसरी मरतब वो कह रहा है, तीसरी मरतब वो कह रहा है, एक जिद्दी बच्चे की तरह से वो खुदाबंद आलम से एक के बाद एक चीज मांग रहा है और खुदाबंद आलम उसे पूरा कर रहा है। कौन गालिब है, कौन मगलूब है, कौन गालिब है, कौन मगलूब। तो हमारे जहनों के अंदर यह तसव्वुर रहता है कि हम दुआ कर रहे हैं परवरदिगार आलम को हमारी दुआ कबूल करनी चाहिए, हम अपने फायदे और नुकसान को खुद नहीं जानते, हम अपने फायदे और नुकसान को खुद नहीं जानते, वो जानता है कि हमारी हकीकत क्या है, इसलिए कि उसने पैदा किया है, उसने खल्क किया है, और वो भी ये भी जानता है कि उसे ये जो दुआ कर रहा है उसके फायदे में है या नुकसान में। तो जब अगर कबूल कर लेता है और दुआ जो है कबूल कर लेता है और हमारी दुआ कबूल हो जाती है, पूरी हो जाती है, हाजत पूरी हो जाती है, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो इसमें चूंकि हमारी मसलहत रही है लिहाजा उसने कबूल किया, लिहाजा उसने दुआ पूरी की। और जब हम दुआ करते करते थक जाते हैं और ये एहसास होता है दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो हमें ये समझना चाहिए इसमें मसलहत परवरदिगार को नजर आ रही है कि ये दुआ कबूल न होने पाए, ये मुमकिन है कि इसके नुकसान में हो, मुमकिन है कि इसके नुकसान में। तो अब दो तीन चीजें आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी अर्ज की। एक तो ये कि परवरदिगार आलम अपने बंदों का पाबंद नहीं है दुआ के कबूल होने, इसलिए कि बंदे का खालिक खुद खुदा है, और जब बंदे का खालिक खुदा है तो उसके फायदे और नुकसान को वो खुद जानता है। मुमकिन है हम ऐसी दुआ कर रहे हो जो हमारे फायदे के लिए हो ही नहीं,
और हम जो है परवरदिगार आलम से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहे हैं। हम खुद अपनी हाजतों के बारे में जैसा के चाहिए समझ नहीं पाते, चूंकि हमारा जाहिर हमें यह बताता है कि हमें इस चीज की जरूरत है, लिहाजा हम अपने परवरदिगार से कह रहे हैं। मुमकिन है जिस चीज में 50% फायदा हो अगर पूरी हो जाए, मुमकिन है उसके रोकने में इंसान को 100% फायदा हो। लिहाजा अब यह कि परवरदिगार आलम ने यह कहा है, देखिए दो चीजें हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिए। परवरदिगार आलम ने यह कहा, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور یہ بھی کہا ہے کہ اذا سألك عبادي عني فإني قريب، اگر تم سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم سے بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں۔ بہت نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جانی دوست بھی ہوتا ہے، قریبی، جس سے ہم اپنے تمام راز کہہ ڈالتے ہیں اور وہ ہمارے تمام اسرار سے آگاہی رکھتا ہے، پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ ہمارا محرم، ہمارا اس سے بھی زیادہ محرم ہے۔ اتنی قریب، اور نہ صرف یہ کہ قریب ہوں میں بلکہ دل میں ارادے کو بھی پڑھتا ہوں، ہمارے دل میں جو بات آئی ہے اسے بھی پڑھ لیتا ہوں، جو دھیرے دھیرے بندہ کہتا ہے اسے بھی پڑھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، جو زور سے کہتا ہے اسے بھی سن لیتا ہوں۔ عجیب دعوت دائے اذا دعان، جب بھی کوئی ہمیں پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب اگر پروردگار عالم نے سے کسی بندے نے فریاد کی اور اسے پکارا تو اس نے تو خود ہی کہہ دیا کہ میں اسے جواب دیتا ہوں۔ تو جواب بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ خدا یہ جانتا ہے کہ یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس میں کون سا اس کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ وہ سراپا رحمت ہے، جو سراپا رحمت ہوگا وہ اپنے بندے کا درد سمجھتا بھی ہوگا اور اس کے لیے بہتر کو پسند کرے گا، بہتر کو پسند کرے گا، یہ نہیں کہ وہ اسے لٹکا کے رکھے، نہیں لٹکا کے نہیں رکھے۔ ہمارا انداز کیا ہے ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، دعا کرنا ہم کو آتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک کسان کی بیوی بیمار پڑ گئی تو وہ اپنے روحانی کے پاس، عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ میری بیوی اچھی ہو جائے۔ تو اس عالم نے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہا، پالنے والے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ وہ کسان نے آگے بڑھ کر کہا، رکو رکو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہنے لگی، میں اپنی بیوی کے لیے دعا کرانے آیا ہوں، تم سب کے لیے دعا کر رہے ہو، مجھے نہیں چاہیے، میری بیوی کے لیے دعا کرو۔ تو اب یہ کہ اس نے کہا کہ بھائی میں وہی کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے، میں وہی کر رہا ہوں جس کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، میں نے جو یہ کہا ہے کہ پالنے والے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، وہ اس مصلحت سے کہا ہے کہ جس وقت تم نے اپنی بیوی کی شفا کے لیے مجھ سے دعا کرائی ہے، ممکن ہے اسی وقت لاکھوں افراد اپنے بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہوں، لاکھوں افراد بیک وقت اپنے بیماروں کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہوں،
तो मैंने उन तमाम दुआओं में अपने आप को शरीक किया है ताकि दुआ पूरे फोर्स के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंचे। एक आदमी अपने लिए दुआ करे उसमें जो जोर है वो जान दुनिया जानती है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए अगर दुआ की जाए तो इसका मतलब यह है कि और बहुत से लोग दुआ कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि एक ही मकसद के लिए की जाने वाली बहुत सी दुआएं जब खुदावंद आलम के पास पहुंचने वाली होती हैं तो उनमें एक फोर्स होता है, एक जोर होता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी ट्रेनें जो है उसके अंदर दो दो एक के बजाय दो दो तीन तीन इंजन लगाए जाते हैं। ये दो दो तीन तीन इंजन क्यों लगाए जाते हैं? इसलिए कि ये गाड़ी आसानी से खींची जा सके। ट्रेन लंबी है, डब्बे बहुत ज्यादा है, ये ट्रेन आसानी से खींची जा सके। तो अब अगर हम तन्हा अपने मरीज के लिए दुआ करेंगे तो ये दुआ कैसे और किस तरह से और हमारे कितने फिक्र के साथ, हमारे कितने एहसास के साथ, हमारी कितनी पाकीजगी के साथ, हमारी कितनी तहारत के साथ, हमारी कितनी जबान की सच्चाई के साथ जाएगी? ये हम अकेले हैं, लेकिन अगर बहुत से लोग मिलकर के दुआ करें बैक वक्त एक ही मकसद के लिए तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम तमाम बंदों की दुआएं कबूल करेगा। मुमकिन है उसमें से बहुत से लोगों की दुआ रद्द होने वाली हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि बहुत से लोगों की दुआ कबूल होने वाली हो। तो आप परवरदिगार आलम यह नहीं करेगा कि कुछ लोगों की दुआ कबूल करेगा, कुछ लोगों की दुआ रद्द कर देगा, इसलिए कि एक ही मकसद के लिए सारी दुआएं की जा रही है तो खुदा बंद आलम सबकी दुआ कबूल करेगा। सलात पढ़े मोहम्मद आलम। नमाज जमात से पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि इस जमात में बहुत किस्म के लोग बैठ खड़े हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग खड़े हैं। किसी की नमाज दिल से हो रही है, किसी की नमाज बोझल तरीके से हो रही है, कोई फिक्र कर रहा है नमाज की, कोई बेफिक्री के साथ नमाज पढ़ रहा है, किसी का तलफ्फुज नहीं सही है, किसी की करात नहीं सही है, किसी का दिल नहीं चाह रहा है, कोई बीमार है, कोई कुव्वत कल्ब के साथ पढ़ रहा है, कोई कमजोरी के साथ पढ़ रहा है, कोई जमा ही ले रहा है और कोई ढंग से पढ़ रहा है, उसके यहां सारी चीजें पाई जाती हैं। तो मासूम ने यह कहा कि अगर तुम जमात से नमाज पढ़ोगे तो इसका फायदा जो होगा वो ये होगा कि अगर इस जमात में किसी एक की नमाज परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो रही होगी तो तन्हा वो एक नमाज कबूल नहीं करेगा, बल्कि जमात में खड़े हुए जितने लोग होंगे सबकी नमाज काबिले कबूल हो जाएगी उस एक आदमी के जरिए। लिहाजा दुआ के सिलसिले में भी यही शर्त रखी गई है कि दुआ अकेले से बेहतर है कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके दुआ की जाए और कुछ लोगों को अपने साथ मिला के दुआ की जाए। अगर आप अकेले भी दुआ कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जमा के सेजे इस्तेमाल कीजिए, जितने मरीज हो उनको शिफा अता कर दे, जितने फकीर हो उनको मालामाल कर दे, जितने बेखबर हो उनको बाखबर कर दे, जितने परदेश में हो उनको परदेश से सही और सलामत वापस पलटा दे। ये दुआ कौन सी है? इसका तर्जुमा मैं जो कर रहा हूँ ये इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह की दुआ है, अभी मैं पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में। इमाम ज़माना ने हमें जो दुआ तालीम दी वो ये कि अगर तुम तनहा ही हो और दुआ करना चाहते हो तो तुम्हारी शान ये होनी चाहिए कि जमा के सेजे इस्तेमाल करो। इलाही बेहक मन नाजा कल बेहक मन दुआ कफिल बर रिवल बहर, आने वाले जो तेरी बारगाह में आने वाले हैं, जो तेरी बारगाह में दुआ करने वाले हैं, जो नजात चाहते हैं, जो तुझसे तलब कर रहे हैं, चाहे वो समंदर में हो, चाहे वो खुश्की में हो, चाहे वो जमीन के ऊपर हो और चाहे वो चीज में हो, सबकी दुआएं कबूल कर ले। तफजल उनके ऊपर अपना फज्ल कर, हम एक हैं, चाहते हैं हमारी दुआ कबूल हो, लेकिन मासूम यह हुनर बता रहा है कि अगर तुम अपनी दुआ कबूल करना चाहते हो तो बहुत से लोगों के लिए दुआ करो।
इसलिए कि बहुत से लोगों में कुछ खालिस मोमिन भी होंगे कि जिनके लिए खुदा बंदे आलम बहरहाल की जाने वाली दुआ को कबूल करेगा, और तुम अगर गुनाहगार हो तो उनको अपने साथ शामिल कर लो। फजल अला फुकराए मोमिनीन वल मोमिनात बिल गनाए व तरबा, पालने वाले एहसान कर तमाम मोमिनीन और मोमिनात फकीरों को, उनके ऊपर एहसान कर। बिल गनाए व तरबा, उन्हें अमीर बना दे, उनकी तंगदस्ती को दूर कर दे, उन्हें मालदार कर दे। वाला मरद अल मोमिनीन वल मोमिनात बिल शिफाए व सिहा, हम अपने मरीज के लिए दुआ कर रहे हैं, मासूम हमें तालीम दे रहे हैं कि अगर तुम अपने मरीज के लिए दुआ करना चाहते हो और अकेले भी दुआ कर रहे हो तो इस अंदाज से दुआ करो। वाला मरद अल मोमिनीन वल मोमिनात बिशफाए वस्सेहा, पालने वाले जुमला मोमिनीन और मोमिनात को शिफा भी अता कर दे, सेहत भी अता कर दे। वाला अहयाए मोमिनीन वल मोमिनात बिल लुत्फ वल करामा, और जितने जिंदा मोमिनीन और मोमिनात हैं उन सब को लुत्फ और करम से नवाज दे। वाला अमवातिल मोमिनीन वल मोमिनात बिल मगफरत वर रहमा, और जो इस दुनिया से चले गए हैं मोमिनीन और मोमिनात उनके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, उनकी मगफरत फरमा, उन्हें बख्श दे। दुआ हम अपने लिए चाहते थे, इन चारों मरहलों में से किसी एक मरहले में बहरहाल हम शामिल हो जाएंगे, किसी एक किस्म में बहरहाल हम शामिल हो जाएंगे। तो अब हम जो दुआ कर रहे थे वो दुआ खुदा को मालूम है, लेकिन चूंकि हमने खुदा के मोमिन और मोमिना बंदों को सबको शामिल कर लिया है, लिहाजा खुदा की रहमत का तकाजा यह है कि चूंकि सबके लिए दुआ कर रहे हो लिहाजा उनकी भी कबूल होगी, तुम्हारी भी कबूल हो जाएगी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनकी भी कबूल हो जाएगी, तुम्हारी भी कबूल हो जाएगी। तो शान दुआ जो है वो ये है कि इंसान को तन्हा अपने लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह शान दुआ यह है कि तन्हा परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने को नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए कि हम खुदा की बारगाह में पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि कोई सहारा बन के हमें खुदा तक ना पहुंचाए। कोई सहारा बन के, कोई वसीला बन के हमें खुदा तक ना पहुंचाए। हम तो समझ ही नहीं सके कि खुदा का कुर्ब क्या है, और नहीं समझ सकते कि कुर्ब परवरदिगार क्या है जब तक कि वो अफराद के जो खुदा के करीब रहते हैं या रहने वाले हैं उनसे अपना नाता ना जोड़ा जाए। लिहाजा तन्हा दुआ ना करो, तन्हा दुआ ना करो। मासूम ने यह तालीम दी कि जब भी दुआ करो उसके पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेजो, और उसके बाद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजो। तो मासूम फरमाते हैं कि ऐसे में अगर ये दुआ खुदावंद आलम की बारगाह में पहुंचती है तो खुदा को हया आती है कि अव्वल और आखिर को तो कबूल कर ले, इसलिए कि उसकी शान ये है कि जब भी सलवात कोई बंदा भेजता है ये सलवात खुदा की बारगाह में जरूर कबूल होती है, ये जरूर खुदावंद आलम की बारगाह में जरूर कबूल होता है। तो उसके कर्म का तकाजा क्या ये नहीं है कि पहले को कबूल कर ले, आखिर को कबूल कर ले और छोड़ दे बीच को? नहीं, छोड़ेगा नहीं बीच को, बल्कि जो आखिर और अव्वल के साथ यानी दोनों बाजुओं के साथ, दोनों परों के साथ जो दुआ परवाज कर रही है खुदावंद आलम की बारगाह में, वो पूरी दुआ कबूल हो जाएगी, दरूद भी कबूल होगा, हमारी आरजू भी कबूल हो जाएगी। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दुआ के लिए ये अजीब चीज है, इतनी ताकीद की है परवरदिगार आलम ने, इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती यदखुलून जहन्नम दाखिरीन।
जो मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं, दुआ वो लोग के जो मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं यानी अकड़ते हैं, मुंह फेरते हैं। दुआ के बारे में ये आये करीमा है और ये कहा जा रहा है कि जो मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं यानी जो मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दुआ इबादत परवरदिगार का नाम, दुआ इबादत परवरदिगार का नाम है, इसका मतलब बहुत कीमती चीज है। नमाज के सिलसिले में भी यही, नमाज अपने मानी के एतबार से दुआ है, अस्सलातु अद्दुआ, नमाज यानी दुआ। जाहिर है कि नमाज में बहुत से जुमले सिर्फ दुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ज्यादातर जुमले दुआ है, जिक्र है, दुआ है, जो इस तरह हम्द है, जो इस तरह से एक मजमूए के अंदर शामिल की गई है, अस्सलातु यानी अद्दुआ। अब यह है जो कहा जा रहा है कि तुम दुआ करो, जो लोग दुआ नहीं करते उनका क्या हाल है, सैयद खुलून जहन्नम दाखिरीन, जिल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल किए जाए, जिल्लत और रुसवाई के साथ। तो इसका मतलब यह है कि दुआ इतनी जरूरी है इंसान के लिए कि बगैर दुआ के उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मिसाल मैं समझाए देता हूं, आया दुआ वाजिब है, दुआ वाजिब है, वाजिब नहीं है। नमाज वाजिब है, वाजिब, और नमाज तो पढ़ना जरूरी है लेकिन दुआ क्या है, मुस्तहब। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अगर मासूम का यह इरशाद गिरामी है कि अगर किसी ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ नहीं मांगी तो उसकी वो नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी, उसकी वो नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी, यानी उसने अपने आप को अपने परवरदिगार आलम से इस मंदिर के ऊपर नहीं रखा कि सवाली बनकर के आए खुदावंद आलम की बारगाह में मांगे, उसने हम्द की है, उसने सना की है परवरदिगार की, उसने रुकू किया है, उसने सजदा किया है, और अब मुंह फेर के जा रहा है, कुछ मांगेगा नहीं, मांग क्या मांगता है। अब यहां आती है चीज वो दुआ, ये जो मुस्तहब है, आपने एक फल लिया, कोई एक मेवा है, खुश मेवा हो या कर मेवा हो, ये जो फल है आपके पास या मेवा है आपके पास, परवरदिगार आलम ने उसके अंदर गूदा रखा है और उसके ऊपर कवर रखा है छिलके का, आ रही बात समझ, असल चीज क्या है, वो है जो छिलके के अंदर है, आ रही बात समझ, छिलका क्या है, वो चीज है जो इस गूदे को प्रोटेक्ट कर रही है, इस गूदे को की हिफाजत कर रही है। तो असल चीज है नमाज, और जो छिलका है वो मुस्तहब चीज है जिसको कहते हैं दुआ। अगर नमाज को प्रोटेक्शन देना है तो दुआ के जरिए उसे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और अगर दुआ के जरिए उसे प्रोटेक्शन नहीं मिला तो ये नमाज काबिले कबूल नहीं है, बल्कि तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए कि अगर छिलका उतार के आपने किसी फल को या किसी मेवे को रख दिया, थोड़ी देर के बाद या उसमें कीड़े लग जाएंगे या वो खुद मेवा खराब हो जाएगा। तो अब तक जो चीज आपको आपकी बंदगी को प्रोटेक्ट कर रही थी, बचा रही थी, वो वही दुआ थी कि जो अव्वल और आखिर आप कर रहे थे, वो वही दुआ। तो नमाज वाजिब है, दुआ मुस्तहब है, लेकिन ये मुस्तहब अमल आपकी नमाज की मुहाफिज की हैसियत रखती है, आपकी बंदगी और आपकी इताअत की मुहाफिज की हैसियत रखती है। है ना सलवात पढ़ने की जगह, सलवात पढ़े मोहम्मद, ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है। क्या आप अपने परवरदिगार आलम को सुबह शाम पुकारिए,
सुबह शाम पुकारे। जनाबे नूह ने, जनाबे इब्राहिम ने, जनाबे मूसा ने, जनाबे ईसा ने, जाहिर रखिए तमाम अंबिया हैं। मासूम का इरशाद है कि जितने भी